स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गांव-गांव पहुंच रही मिशन शक्ति की धमक, पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी। नारी शक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के नाम से जिस महाअभियान की शुरुआत की है, उसकी धमक अब धीरे धीरे गाँव में सुनाई देने लगी है। प्रधानों और प्रतिष्ठित लोगों के सहयोग से महिलाओं और बालिकाओं को एकत्र करके उनकी समस्याओं को सुनना और उन्हें निराकरण के लिए सुझाव देने का कार्य पुलिस प्राथमिकता के आधार पर कर रही है, जिसकी आम लोगों में चर्चा भी होती है। इसी क्रम में मजरहेटा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने मिर्चोड़ी ग्राम पंचायत के मजरा पचपेड़िया में एक कार्यक्रम आयोजित करवाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम में महिला आरक्षी कंचन शुक्ला और शिवानी ने समाज में हो रहे महिला उत्पीड़न के बारे में चर्चा की। उन्होंने बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से निजात पाने के तरीके भी बताए, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के उत्पीड़न होने की दशा में पुलिस को सूचित करने की बात कही। कोतवाल ओम प्रकाश तिवारी ने उपस्थित महिला समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपनी शक्ति को पहचानें और एक सशक्त समर्थ भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पुलिस हर समय हर परिस्थिति में आपके साथ है। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और युवा वर्ग में काफी चर्चित पवन यादव ने किया। आयोजन में क्षेत्रीय पत्रकार थाने से हेड कांस्टेबल गोविंद यादव और आरक्षी लंकेश के सहित शिवपाल यादव, राजेश रेखा चौधरी, रीता चौधरी, सीमा पाल, गुड़िया पाल, बेबी यादव, शशि पाल ने सहभागिता की। मछरेटा संवाददाता रामलखन तिवारी की रिपोर्ट।